तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। एक्सरसाइज 6.5 है, क्वेश्चन जो है वो है हमारा लास्ट वाला 17 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज एबीसी में एबी जो है वो हमको कितना दिया गया है 6√3, और एसी जो है वो हमको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, बीसी जो है वो हमको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। इस तरीके से भुजा दी गई हैं। तो ये कह रहे हैं कोण बी जो है वो हमारा कितना हुआ जाके, ये हमें बताना है। ठीक है, सिर्फ इन्होंने भुजाएं दी हैं, अब ये कैसे पता करेंगे? तो हम पता तभी कर सकते हैं अगर हमको पता है कि सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे क्या है, 12 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय निकाल कर देखते हैं तो पता चल जाएगा कि भाई ये हमारा कोण वोण जो, अगर पाइथागोरस से संतुष्ट हो गई तो पता चल जाएगा कि हमारा जो भी कोण यहाँ पे निकल रहा है, भाई कर्ण के सामने ही हमारा 90 डिग्री होता है, तो अगर कोण पता चलेगा वो हमारा ये वाला कोण पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? सबसे बड़ी भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर की है, कर्ण हमारी वही भुजा होती है जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है। ठीक है, अब हमें पता नहीं कि हमारा यहाँ पे समकोण त्रिभुज है भी या नहीं, फिलहाल इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भुजा हम निकालते हैं ए बी। ठीक है, ए बी जो है वो हमारा कितना है, ए बी जो है वो है हमारा 6√3 सेंटीमीटर। अगर हम ए बी का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब वर्ग कर देते हैं, तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा, 6√3 का करना पड़ेगा वर्ग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हमारा 36 हुआ, और √3 का स्क्वायर जो है वो हमारा 3 हुआ। गुणा करने पर हमारा क्या आएगा, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या आया है, भुजा आई है। ठीक है, इतनी भुजा आई है इसका वर्ग करने पे। ठीक है, इतना आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं क्या। ठीक है, तो हमारा इतना ये आया है, 108 आया है। अब हम क्या करेंगे, भुजा लेते हैं अपनी कौन सी, बीसी लेते हैं। तो बीसी जो है वो हमारा 6 है। ठीक है, अब हम बीसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 36। अब हम यहाँ पे देखते हैं एसी जो है वो हमारी 12 सेंटीमीटर है, तो ये अगर इसका वर्ग करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको, 12 का स्क्वायर जो है वो हमारा 144 आएगा। अब हमको पता है कि सबसे बड़ी भुजा हमारी यहाँ पे क्या है, ये अगर कर्ण होगा तो यही कर्ण होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि सबसे बड़ी भुजा कौन सी, सी ए। ठीक है, सी ए है, अतः पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करने पर, संतुष्ट करने पर क्या करेंगे, इसको संतुष्ट करवाएंगे, तो देखते हैं पता चल जाएगा हमें। तो पाइथा ये हमारी सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका ए सी का स्क्वायर करेंगे बराबर में, हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर हमने निकाला 144 आया, ए बी का स्क्वायर हमारा क्या आया था, वो आया था 108, बी सी का स्क्वायर जो है वो हमारा आया था 36। दोनों को जोड़ के देखते हैं, यहाँ पे तो 144 है ही, और इधर जोड़ के देखते हैं, 8 और 6 हमारा हुआ 14, 3 और 1 4 हमारा हुआ, और 1, मतलब ये दोनों हमारे बराबर आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, चाहे तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चूँकि यहाँ पर पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय संतुष्ट होती है, अतः कर्ण के सामने वाला कोण बी 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा। अभी इन्होंने पूछा था कोण बी हमारा कितना होगा, तो हमने बता दिया 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।